हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज का दिन है सितंबर 11, 2019। तो चलिए देखते हैं कि आज के द हिंदू एडिटोरियल में कौन से टॉपिक है। तो ये जो पहला टॉपिक है इज बेस्ड ऑन जो इंडस्ट्रीज में या फैक्ट्रीज में जो फायर सेफ्टी या जो भी सेफ्टी रेगुलेशंस होती है उसके ऊपर बात किया गया है कि ये भारतीय गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के जो कोड्स और नियम्स बनाए गए हैं उसके बावजूद भी अभी तक जो सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को उसको इम्प्लीमेंट करने में नाकामयाब है। तो इसके ऊपर यहाँ पे आर्टिकल में लिखा गया, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट, ये जो आर्टिकल है इज बेस्ड ऑन जो मीडिया के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है काफी हद तक कि मीडिया की रोल यहाँ पे कैसी होनी चाहिए कश्मीर से रिलेटेड, क्योंकि मीडिया को एक टाइप से कट ऑफ कर दिया गया था। तो पूरा आर्टिकल जो है मीडिया के रिलेटेड यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे आर्टिकल दिया गया है, तो यहाँ पे जो हाल ही में यूएस ओपन खत्म हुआ, यहाँ पे जो स्पेन के बहुत महान खिलाड़ी जो राफेल नादाल, उनको चैंपियनशिप मिले पुरुष सिंगल्स में, और जो कैनेडियन खिलाड़ी जो टीनेजर है बिना का, तो उनको वहां पे वोमेन खिलाड़ी वोमेन कैटेगरी में वहां पे स्वर्ण पदक हासिल हुआ, चैंपियन रही वो। तो इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे रिलेटेड टू सब टाइटल्स से रिलेटेड, सो यहाँ पे बेसिकली जो ये बोला गया है कि जो भी डिफ लोग है जो सुन नहीं सकते हैं या उनके लिए जो जिसको प्रॉब्लम होती है बहुत सारे में, तो उसके लिए एक सेफ जो एक सबटाइटल्स रूल यहाँ पे टीवी चैनल्स को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नया आर्टिकल है, ऐसे आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सॉरी। देन नेक्स्ट ये जो आर्टिकल है चंद्रयान 2 से रिलेटेड, तो इसमें ये बोला गया है कि चंद्रयान 2 से, जैसे कि हम जानते हैं कि 7 सितंबर को जहां पे चंद्रयान को लैंड करना चाहिए था, विक्रम लैंडर को, वो लैंड नहीं कर पाई अभी तक, या ये बोले कि 2.1 किलोमीटर जो पहले उसका जो कनेक्शन कट हो गया था, तो उसके बाद जो इसरो ने काफी सारे स्टेटमेंट्स दिए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो इस आर्टिकल में बेसिकली ये बोला गया है इसरो को बेसिकली अपनी नाकामयाबी जो है उसको छुपानी नहीं चाहिए, उसको नाकामियों को उनसे सबक लेके काम करनी चाहिए। क्योंकि अगर बात करें चंद्रयान 2 की, चंद्रयान 2 तो पहले डील किया गया था रशिया के जो रॉसकॉस्मोस जो है उनके जो स्पेस एजेंसी है उनके साथ, कि इंडिया जो है ऑर्बिटर बनाएगी और रशिया जो है लैंडर और रोवर दोनों बनाएगी। बाद में रशिया ने ये बोला कि रशिया जो है लैंडर नहीं बनाएगी, वो सिर्फ रोवर ही बनाएगी। बाद में सिर्फ इंडिया ने ये बोला कि हम तीनों ही एक साथ बनाएंगे। तो इसके लिए जो है 4 साल लेट हो गया था। तो इस ये भी एक कारण हो सकता है कि इंडिया के पास उतनी इफेक्टिव टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द लैंडर नहीं हो सकती है। जो सॉफ्ट लैंडिंग की बारे में बात की गई, तो ये इसरो ने माना है कि जो विक्रम की एक हार्ड लैंडिंग हुई है और उससे जो है कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हो पा रही। तो हम आशावादी है कि यहाँ पे हो सकता है कि कम्युनिकेशन जल्दी हो जाए। 14 दिन का टाइम होता है एक जो लूनर पीरियड, उसके बाद जो उस एरिया में रात हो जाती है, तो काफी प्रॉब्लम्स यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी इसरो को यहाँ पे इफेक्टिवली काम करके अपने जो सिचुएशन को संभालनी चाहिए, अपने जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में यहाँ पे काम करनी चाहिए। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो हाल ही में 5 जो गवर्नर्स चेंज किए हैं, नए अपॉइंट किए गए, तो उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन आज के डेटा वन में ये एक ज्योग्राफी रिलेटेड आर्टिकल है जिसमें रेनफॉल से रिलेटेड बात की गई है, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। तो पहले आर्टिकल में यहाँ पे जो इंडिया की जो हमेशा ही एक प्रॉब्लम हो रही है बहुत जगह पे, जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी का जो सिस्टम है काफी वीक है। यहाँ पे ये बोला गया है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भले ही जल्दी बढ़ती जा रही है, लेकिन काफी सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती जा रही है, और यहाँ पे जो वर्क एनवायरमेंट है उसको काफी लो प्रायोरिटी ज्यादा चाहते हैं। वहां पे प्रोडक्टिविटी के ही ऊपर, प्रोडक्टिविटी जो बेनिफिट है उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट, उसको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है यहाँ पे, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे जो इसके वजह से जो नंबर ऑफ फैटेलिटीज और इंजुरीज काफी ज्यादा होती रहती है, और इसके लिए जो है लेबर्स को, जो लेबर से रिलेटेड जो पॉलिसी मेकर से, उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि ऐसे जो लॉसेस को उसको इग्नोर नहीं किया जा सके, जिसका एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे हो सकता है। और हाल ही में देखा जाए कि एक जो सीनियर ऑफिसर
कि यहाँ पे और जो चार लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है नवी मुंबई में, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे एक ट्रेजेडी हुआ था कि जहाँ पे लगभग 2 दर्जन जो 24 लोग लगभग एक फायर क्रेकर फैक्ट्री में पंजाब में वहाँ पे आग लगने के बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यहाँ पे पॉलिसी है, उस पॉलिसी को यहाँ पे सीरियसली यहाँ पे रिफॉर्म करनी चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे अगर बात करें कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019 जो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था जुलाई 13 को, तो यहाँ पे जो है एग्जिस्टिंग जो रूल्स है रिलेटेड टू जो माइनर्स है, जो फैक्ट्री वर्कर्स है, जो डॉक वर्कर्स है जहां जो के रिलेटेड, जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स है अलग अलग जगहों पे, देन इंटरस्टेट माइग्रेंट जो लेबर है, और उनके लिए भी सारे जो ये रूल प्रावधान जो है ये लागू होते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे काम करनी चाहिए। और यहाँ पे जो भी शॉर्टकमिंग्स होती है सेफ्टी कमिटेड से रिलेटेड, उसको सेफ्टी ऑफिसर्स हमेशा एक जगह पे एक सिस्टम में, एक इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, जहाँ पे जो वर्कर्स की अगर पॉपुलेशन 500 से ज्यादा हो तो स्टेट गवर्नमेंट के हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, ऐसी यहाँ पे फैसिलिटी होनी चाहिए। फैसिलिटी नहीं, ये एक एसेंशियल चीज मानी जानी चाहिए। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट जो है ये करेंटली अलग अलग जो सिस्टम को मैंडेट किया है, इसके हिसाब से जो हजार्डस पॉसिबिलिटी है उसके हिसाब से यहाँ से यहाँ पे काम करनी चाहिए। और ये जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन जो है एक रिटेंशन ऑफ द न्यू कोड के हिसाब से यहाँ पे लागू करनी चाहिए, तभी जो है तभी जो फैक्ट्री में ये जो सीरियस प्रॉब्लम्स ये सब बंद हो गए, क्योंकि ये एक सेफ एनवायरमेंट जो है, कोई भी जो वर्कर जो मजदूर उनकी एक बेसिक राइट होती है जो वहाँ पे काम करते हैं। और यहाँ पे ये जो है इनको जो फ्रेमवर्क से गारंटी देनी चाहिए कि ऐसे अगर कुछ हो गई तो उनके जो सिस्टम में केयर करने के लिए यहाँ पे एक सिस्टम हो। और अगर फंडामेंटल कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO उनके जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उनके जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन 1981 के हिसाब से जो नियम्स यहाँ पे बनाए गए थे, तो उनके हिसाब से जो NDA गवर्नमेंट ने जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड को है उसको एमालगेमेट किया है, पूरी तरीके से उसको अप्लाई नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो नई कोड है रिगार्डिंग द ड्रॉइंग बोर्ड्स ऑफ केयरफुल स्क्रूटनी, उसको पार्लियामेंटेरियंस के हिसाब से एक्सपीरियंस तरीके से उसको हैंडल करना चाहिए, ताकि जो फ्रेश एम्प्लॉई यहां पे इंक्लूड किया जा सके और एम्प्लॉयर्स और उसके हिसाब से यहां पे जो है उनकी सेफ्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा सके। एक स्क्रूटनी पैनल यहां पे बनानी चाहिए जो एक्सपीरियंस और एम्प्लॉई से रिलेटेड चीजों के ऊपर ध्यान दिया सके, क्योंकि ये जो है कोई भी जो हजार्ड जो एक ऐसी सिचुएशन जहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, जो केमिकल सिचुएशन हो, उनके रिलेटेड एक पर्टिकुलर अटेंशन यहां पे देनी चाहिए, एक कोड होनी चाहिए क्लियर डेफिनेशन के साथ, जी कैसी होनी चाहिए, कैसे काम करनी चाहिए, कैसे काम इंसानों को करनी चाहिए, कैसे मशीनों को करनी चाहिए, उसके लिए वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग और उनके लिमिट्स यहाँ पे उनको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है सेफ्टी को अगर कंप्रोमाइज किया गया तो वो फैक्ट्री के लिए अच्छी नहीं होती। क्योंकि इंडिया में 1985 में अगर याद हो आप लोग सबको, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, मिथाइल बारकप्टन गैसेज वहां थे, हजारों को मजदूर वहां पे उनको कुछ ही घंटों के अंदर मौत के घाट उतर गए, तो वो जो ट्रेजेडी है इंडिया अभी तक कभी भी भूल नहीं पाए, बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं था उससे रिलेटेड। तो ऐसी चीजें फिर से ना हो, इससे इंडिया को केयरफुल रहनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल है, इसके आर्टिकल चलते हैं जो US ओपन के बारे में बात किया जा रहा है। तो इसमें जो पुरुष जो ग्रैंड स्लैम उसमें जो राफेल नदाल जीत चुके हैं, तो यहां पे अगर बात करें कि जो ऑल टाइम जो अगर हम ग्रैंड स्लैम, तो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है ऑस्ट्रेलिया में, फ्रेंच ओपन खेला जाता है रॉयल ग्रेस फ्रांस में, विंबलडन खेला जाता है इंग्लैंड में, और US ओपन खेला जाता है US में। तो यहाँ पे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम हर साल होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन फ्रेंच ओपन लगभग जून के महीने में, ऑस्ट्रेलियन ओपन वहां पे जब गर्मी होती है जनवरी के महीने में, और विंबलडन जुलाई के महीने में, और US ओपन सेप्टेम्बर के महीने में। तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो अभी तक के जो इतिहास पुरुष जो सिंगल्स के इतिहास में, तो सबसे ज्यादा जो चैंपियन बने हैं किसी भी टोटल जो ग्रैंड स्लैम, रॉजर फेडरर जो स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी है 20 बार ये चैंपियन बने हैं। सेकंड जो है राफेल नदाल, ये 19 बार बने हैं। नोवाक जोकोविक ये 16 बार बने हैं। और ये तीनों ही प्लेयर है जो टॉप 3 में है, ये एक्टिव प्लेयर्स है। देन पीट सम्प्रास जो फेमस US के प्लेयर थे, ये 14 बार जीत चुके हैं। रॉय एमर्सन 12 बार,
देन बियोन बॉर्ग जो स्वीडन के बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे 1970s-80s में, वो जीते हैं। बिल टिरन जो बहुत ही मशहूर खिलाड़ी थे यूएस ओपन, तो ये भी 10 बार जीत चुके हैं। ऐसे ये जो लिस्ट है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन रॉजर फेडरर जीत चुके हैं 6 बार, और सबसे ज्यादा इन्होंने अभी तक की ज्यादा है जीते हैं विंबलडॉन, जो 8 बार ये जीत चुके हैं, किसी भी खिलाड़ी से ज्यादा 8 बार जीत चुके हैं। और जो राफेल नडाल, इनको जो बोल रहा था कि क्ले कोर्ट का ये बादशाह है, 12 बार ये जीत चुके हैं किसी भी जो टूर्नामेंट में, सबसे ज्यादा ये जीत चुके हैं 12 बार। ऑस्ट्रेलियन पे जो बोल सकते हैं कि उनका एक दबदबा है नोवाक जोकोविच का, जो सर्बिया के प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 1 है अभी, तो ये जीत चुके हैं। तो इनके ये जो अगर देख सके कि अगर आप एक एनालिसिस करेंगे, तो अगर देखेंगे जो प्रेजेंट टाइम में अगर इतने जो डोमिनेटिंग खिलाड़ी ऐसे दिखाई नहीं दिए जाते, पीट संप्रस काफी जो है उनको रिटायरमेंट लेते हुए ही लगभग 20 साल हो गए, देन आंद्रे अगासी थे, आंद्रे अगासी की भी लगभग 20 साल पहले वो जीते थे मेडल्स जो है। तो एक आप मान सकते हैं कि जो है मेजर प्लेयर्स ये तीन ही रहे हैं पिछले लगभग, उसमें से कोई कोई एक दो बार जीत चुके हैं, लेकिन मेजर जो प्लेयर्स या तीन ही हैं। तो एक चीज मान सकते हैं कि कंपिटिटर्स नहीं होते थे उस टाइम में, लेकिन बाकी के जितने भी प्लेयर्स हैं आप मान लीजिए कि 1960s से आगे के हैं, 1960s, 1970s, 20s, 30s, 50s, 70s, 80s, 20, ये तो काफी पुराने हैं। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि 1960s से उससे पहले कंपटीशन काफी ज्यादा होती थी। तो क्या होता था कि ये चैंपियनशिप टाइटल जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होते थे, तो इसका एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी जो एक साल में ग्रैंड स्लैम हो, इनमें ये जो तीन सुपर थ्री हम अगर बोलेंगे, ये तो सुपर थ्री में से कोई ना कोई एक तो कन्फर्म चैंपियन रहेगा ही रहेगा। तो इसमें आप इसको याद कर लीजिएगा, किसी एग्जाम्स में ऐसे पूछ सकते हैं, या ओवरऑल नॉलेज के लिए भी ये जाननी चाहिए। देन अगर महिला खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे, तो पहले नंबर है मार्गरेट कोर्ट जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, उन्होंने 11 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, 5 बार फ्रेंच ओपन, विंबलडन जीता है 3 बार, यूएस ओपन 5 बार। सेरीना विलियम्स जो बहुत ही अभी करंट खिलाड़ी है, ये अभी हार गई थी जो यूएस ओपन के फाइनल में, ये 23 बार जीत चुकी थी, तो ये भी करंट खिलाड़ी है। तो इनको जो कैनेडियन एक टीनेजर, तो उनका बिना का एंड्रस, तो वो जीते हैं, वो भी टीनेजर है। और इससे पहले जो जीती थी, ये जीती थी मारिया सारापोवा, उन्होंने 2006 में जीता था यूएस ओपन। और उससे पहले यंगेस्ट अगर बोलेंगे तो 2004 में जो कुजमोनोवा रशिया के थी, सुतलेना कुजमोनोवा, वो जीती थी। तो स्टेफी ग्राफ ने 22 बार जीते हैं, जो हेलेन विल्स मुदी उन्होंने जीता है 19 बार, क्रिस इवन, जो मार्टिना नवरिया तिलोवा, ये बहुत ही फेमस, काफी लंबा टाइम तक वो खेली, ये जीती 18 बार। तो काफी ये देख सकते हैं, वेनस विलियम्स जो है 7 बार ये जीत चुके हैं, सेरिना विलियम्स के ये बहन है। तो ये महिलाओं के खिलाड़ियों के बारे में एक बार दिया गया है। तो जो कैनेडियन खिलाड़ी जो टीनेजर जो बिना का एंड्रेसस, उनके नाम भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। एक टीनेजर है जिन्होंने पिछले 10 सालों में कोई भी, 10 साल नहीं लगभग 13 साल में कोई भी जो यूएस ओपन का खिताब जीता है। तो ये एक आंकड़ा यहाँ पे हम लोग ने दिखाया है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से प्लेयर कितने यहाँ पे खेले जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो सबटाइटल्स के बारे में बात किया गया है, तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग MIB, तो यहाँ पे ये बोला है कि जो कैप्शनिंग फॉर टीवी, जो मतलब टीवी में हम कोई भी प्रोग्राम देखते हैं उसका एक जो कैप्शन आता है कि कोई भी अगर सपोज एक न्यूज रीडर बात करते जा रहा है, उसके नीचे उनके कैप्शन होनी चाहिए। तो ये अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वहां पे MIB ने वहां पे मेंशन किया गया, तो यहां पे ये बोला गया कि जो भी लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम होती है या सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये सिस्टम यहां पे होनी चाहिए। और ये जो है यूएसए में लगभग 4 दशक पहले ही ये स्टार्ट हो गया था, लेकिन इंडिया को इस पे इंप्लीमेंट करने में काफी टाइम लग गया। तो अभी ये जो इंप्लीमेंट करने की जो एक प्लान के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि लगभग 800 से ज्यादा की चैनल है इंडिया में, तो यहाँ पे हर चैनल को लगभग एक दिन जो है उसमें ये जो कैप्शनिंग या सबटाइटल्स के बारे में यहाँ पे सोचनी चाहिए। और ये बात की गई थी 2019 की जो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के बाद। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि 2020 तक
जो कोई भी चैनल के प्रोग्राम है उसमें से 10% जो प्रोग्राम जो है उनके नीचे कैप्शन होनी चाहिए, मतलब वहां पे कोई भी जो साउंड है उसके वहां पे सबटाइटल्स होनी चाहिए। और ये हर साल जो है 10% तक हर साल बढ़नी चाहिए, माने कि 2020 में अगर यहाँ पे 10% है तो 2025 तक यहाँ पे जो है 50% यहाँ पे होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी चैनल आप अगर आप लोग खोलेंगे 2025 में तो उनमें से 25% जो प्रोग्राम है उस चैनल के अंदर कोई भी न्यूज हो, मूवी हो, गाना हो, कुछ भी हो, वहां पे उसके सबटाइटल्स होनी ही पड़ेगी। तो ये एक यहाँ पे नियम बनाया गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि जो राइट्स ऑफ द पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के हिसाब से यहाँ पे सबटाइटल्स जो है ये एक टीवी राइट होती है डिसेबल लोगों के लिए। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ने ये एंश्योर किया है कि कोई भी चैनल जो हो, स्टेट के चैनल हो या प्राइवेट चैनल हो, ये उस टाइम में उसको इंप्लीमेंट उनको करना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो है कैप्शनिंग जो है ये सिस्टम जो है एकदम बिल्कुल नई सिस्टम नहीं है। यूएस में इसको बहुत पुराने तरीके से इसको इंप्लीमेंट करती आ रही है यूएसए। अभी इंडिया ने इसको इंप्लीमेंट किया है, ब्राजील में ये काफी टाइम से यहां पे है। और यहां पे इंडिया ने एक चीज यहां पे अलग से मेंशन की है कि सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग यानी कि SLS, मतलब आप सपोज एक तमिल मूवी देख रही है, देख रहे हैं तो उसके नीचे जो सबटाइटल्स होंगी वो तमिल लैंग्वेज पे होगी। तो यहाँ पे सेम लैंग्वेज सबटाइटलिंग के बारे में भी यहाँ पे माना बात किया जा रहा है ताकि मास रीडिंग लिटरेचर, क्योंकि आप जो है सबटाइटल्स पढ़ के भी आपको एक लिटरेचर के बारे में यहाँ पे बहुत सारी जानकारी हासिल हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो कंट्रीज है, कंट्रीज जो एविडेंस सॉल्यूशंस है वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो नंबर फोर गोल्स को यहाँ पे मजबूत किया जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में मेंशन किया गया है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर फोर के हिसाब से, तो ये बोला गया है कि इंडिया में लगभग 1 बिलियन टीवी व्यूअर्स है और इन एन एवरेज हर व्यक्ति 3.45 घंटा यहाँ पे हर दिन टीवी देखते हैं। ये जो आंकड़ा दिया है FICCI EY मीडिया एंड एंटरटेनमेंट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि टोटल जो जितने भी लोग टीवी देखते हैं उनमें से 25% तो फिल्में देखते हैं, जनरल एंटरटेनमेंट म्यूजिक हो, सीरियल्स हो, कोई भी हो ऐसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, कॉमेडी शोज हो, 53% देखते हैं यहाँ पे। तो ये जो सेम लैंग्वेज सबटाइटल ये कोई हर लैंग्वेज पे यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक साइंटिफिक एविडेंस होनी चाहिए, उसके 3 गोल होते हैं महत्वपूर्ण है, काफी याद रखेगा उसको। तो यहाँ पे ये बोला गया कि डेली ऑटोमेटिक रीडिंग से यहाँ पे लिटरेसी प्रैक्टिस होती रहेगी 1 बिलियन जो लोगों के ऊपर, और यहाँ पे 500 मिलियन जो वीक रीडर्स है उनको ये बहुत मदद करेगी ये पढ़ने में, ताकि उनको जो हियरिंग और पढ़ के भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आएंगे। क्योंकि सपोज मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी चीज को बहुत फास्ट तरीके से चले गए, वो समझ नहीं पा रहे, तो वो अगर पढ़ के भी समझ लेंगे तो ये उनकी लिटरेसी ही इंप्रूव करेगी। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे इंडियन लैंग्वेजेस की, नॉट ओनली इन इंग्लिश, कि अगर आप इंग्लिश न्यूज देख रहे हैं तो उसके नीचे इंग्लिश सबटाइटल्स आएगा, अब तमिल देख रहे हैं तमिल आएगा, बंगाली देख रहे हैं बंगाली आएगा, मराठी देख रहे हैं गुजराती, पंजाबी देख रहे हैं, कोई भी आप देख रहे हैं तो वहां पे उसी चैनल्स के जो वहां पे आएंगे। तो ये इंडियन लैंग्वेज के इंप्रूवमेंट के लिए बात किया जा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मीडिया एक्सेस है, क्योंकि 65 मिलियन लगभग जो 6.5 लाख जो लोग हैं उनको कानों की प्रॉब्लम होती है, सुनने की प्रॉब्लम होती है, तो उन लोग टीवी एक्सेस जो लेते ही नहीं, मीडिया एक्सेस लेते, क्योंकि उन लोग सुन तो नहीं सकते क्योंकि करेंगे क्या टीवी का कनेक्शन लेके, तो उन लोग न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ते, तो ये बेसिकली उनके लिए एक मददगार काम करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यूके में, यूनाइटेड किंगडम में एक सिस्टम है जिसको टॉर्च बोला जाता है, यानी कि टर्न ऑन सबटाइटल्स। तो सबटाइटल्स को यहाँ पे आप अपने हिसाब से ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है बेसिकली अभी यूके और या यूएसए उनके जो फुटप्रिंट्स पे यहाँ पे चलने की बात किया जा रहा है, लेकिन यूके ने जो है एसएलएस को इंडिया में रीडिंग लिटरेसी के हिसाब से यूके ने काम किया है। तो ये एक आयरोनिकल चीज है, इसको यहाँ पे बोली जा रही है। तो यहाँ पे जो एसएलएस जो SLS जो टीवी बूट के गोल्स के हिसाब से यहाँ पे मीडिया एक्सेस और जो रीडिंग लिटरेचर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। तो यहाँ पे ये बोला जाए कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए यहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस को यहाँ पे काम करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो SLS है टीवी में करने के लिए जो ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी यहाँ पे होनी चाहिए, सिंपली मेडन करने के बाद भी यहाँ पे जो टेलीकास्ट है आफ्टर सेट डेट उसको यहाँ पे मेंशन करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि मोर देन अ डिकेड जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट्स
एसआर के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि लगभग जो हाफ ऑफ द रूरल चिल्ड्रन है, मतलब जो गांवों से बिलोंग करते हैं जो बच्चे हैं, उन जो पांचवें स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं उनकी जो स्टैंडर्ड टू लेवल टेक्स्ट को यहाँ पे पढ़ने के लिए प्रॉब्लम्स होती है, तो उसको भी थोड़ी सी यहाँ पे देखनी चाहिए ताकि इसके हिसाब से उन लोग को एंटरटेनमेंट भी हो और उन लोग को एक क्वालिटी एजुकेशन भी मिले यहाँ पे, तो इसका आउटकम यहाँ पे होनी चाहिए। और ये जो आउटकम है एक स्टबोर्नी रेजिस्टेड तरीके से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है। तो ये जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 के हिसाब से रिगार्डिंग द क्वालिटी एजुकेशन, उसके रिलेटेड यहाँ पे सॉल्यूशंस होनी चाहिए, यहाँ के एविडेंस होनी चाहिए कि ऐसा हो रहा है। यहाँ पे कलेक्टिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में भी बात किया है कि सिविल सोसाइटी जो है, एकेडमिया जो एक इंडस्ट्री है जिसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगी, इसको एकेडमिया के हिसाब से हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उनको सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है टीवी कैप्शनिंग से रिलेटेड जो मेन स्ट्रीमिंग है उसको यहाँ पे काम करनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनके साथ जो सेम लैंग्वेज जो सिस्टम उसके जो डिजिटलाइज करके ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म के हिसाब से यहाँ पे काम करनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसके लिए जो सिविल सोसाइटी है, सिविल सोसाइटी को जो SLS जो सिस्टम है सेम लैंग्वेज सबटाइटल्स, इसके जो इंप्लीमेंटेड कॉस्ट है उसको इफेक्टिवली होनी चाहिए कि बहुत ज्यादा भी अगर बढ़ गया तो लोग उसको एक्सेस नहीं करेंगे। तो ये जो सिस्टम है एकेडमिया जो इनको इंप्लीमेंट करेगी इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होनी चाहिए ताकि SLS जो है उसको रिमार्केबली वहां पे काम करे, जो मल्टीपल गोल सेट किया है उसको इफेक्टिवली काम हो सके। जो मीडिया एक्सेस है 65 मिलियन जो लोगों को हियरिंग प्रॉब्लम होती है, जो लीडिंग लिटरेची लोगों को अपने लैंग्वेज के बारे में समझ में आए, लैंग्वेज लर्निंग के बारे में भी यहाँ पे समझ में आए, अगर आप तमिल में भी ठीक नहीं है तो तमिल लैंग्वेज को देख के भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ सकती है। तो यहाँ पे जो एनवायरमेंट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको यहाँ पे SLS और ऑडियो विजुअल कॉन्टेंट जो हर इंडियन लैंग्वेज पे यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो इसमें SLS के बारे में बहुत सारी तथ्य आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो ये एक सही बात है, इसको यहाँ पे मेंशन किया गया। तो ये आर्टिकल जो लिखा है, ये आर्टिकल लिखा है ब्रिज कोथारी ने। देन नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो अलग अलग गवर्नर्स इंप्लीमेंट किए गए, अलग अलग चेंज किए गए, तो इसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे बंदरू दत्तात्रेय जो है ये अभी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश थे, इससे पहले ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर थे बीजेपी के अंदर, तो इनको अभी हिमाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया गया। जो कलराज मिश्रा ये अभी फिलहाल गवर्नर ऑफ राजस्थान है, राज्यपाल है राजस्थान के, इससे पहले जो है ये बंदरू दत्तात्रेय के जगह ये हिमाचल प्रदेश में गवर्नर थे। तो अभी जो तमिलसाई सौंदराजन और जो आरिफ मोहम्मद खान, ये तमिलसाई सौंदराजन ये जो है ये तेलंगाना के नए गवर्नर है और आरिफ मोहम्मद खान ये जो है केरला के नए गवर्नर है। तो ये दोनों ही जो लोकसभा इलेक्शन 2009 और 2014 में यहाँ पे कॉन्टेस्ट करते थे, यहाँ पे कॉन्टेस्ट करते थे लेकिन यहाँ पे वो हार गए थे। और यहाँ पे भगत सिंह कोश्यारी जो है ये गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र है, फिलहाल नए गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी, ये CM थे पहले उत्तराखंड के। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि गवर्नर का जो है इसका अपॉइंटमेंट हमेशा प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन इससे जो प्रेसिडेंट जो है जो स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनकी भी यहाँ पे मशवरा लेते हैं ताकि गवर्नर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके बीच में एक जो यहाँ पे बॉन्डिंग यहाँ पे मेंटेन किया रहे। तो ये जो प्रेसिडेंट यहाँ पे कर जो अपॉइंटमेंट करते, तो इसमें ये बोला जा सकता है कि जो अभी आर्टिकल में लिखा गया है कि NDA गवर्नमेंट के जो यहाँ पे रूल है कि उन लोग ने अपने ही फेवर में अपने जो है पार्टी के लोगों को गवर्नर बना के रखा है ताकि कोई भी रूल है सिस्टम है उसको इंप्लीमेंट करने में उनको मदद आ सके। तो इसमें आर्टिकल पूरे आर्टिकल में यही मेंशन किया गया है, लेकिन इसमें जो मेन चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज के जो डेटा पॉइंट में यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि वेस्टर्न कोस्ट में स्पेशली महाराष्ट्र और गोवा में इस बार काफी ज्यादा मॉनसून आई है, और जो मॉनसून अगर मान लीजिए हम लोग पूरा सितंबर माह भी चलेगी तो 20 दिन अभी भी बाकी है। तो यहाँ पे 15 डिस्ट्रिक्ट में जो ये बोला गया है कि 3000 मिलीमीटर से ज्यादा की वहां पे बारिश आई है। तो यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली ये 6 साल की सबसे ज्यादा बारिश के बारे में भी बोला गया है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि ये लॉन्ग पीरियड एवरेज है जो 672 डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे जो ये ब्लू है ये जो है इसमें
अलग अलग 672 डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात किया गया है, और जो ये रेड है, रेड जो है, सॉरी मैं गलत बोल गया, ये जो ब्लू है यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा के बारे में बात किया जा रहा है, और जो ये रेड है, रेड जो है अलग अलग जो वेस्टर्न अलग अलग स्टेट्स के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र और गोवा में, पुणे में कितनी ज्यादा बारिश हुई, लगभग जो आप मान सकते हैं पुणे में ही लगभग 1500 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हुई, मुंबई सिटी में लगभग 2500 के ज्यादा है बारिश हुई, 2500 mm, जो सुंदरबन मुंबई में है कितनी ज्यादा बारिश हुई, देन रायगढ़ में देख सकते हैं आप लगभग 4500 मिलीमीटर की बारिश हुई है, और ये सब जगह जो नॉर्थ गोवा बोलेंगे हम, थाने बोलेंगे, जो पालघर बोलेंगे, साउथ गोवा, तो कितनी ज्यादा यहाँ पे बारिश हुई है। तो इसी जगह पे तो ये बोला जा रहा है कि 15 डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा 3000 से ज्यादा की यहाँ पे बारिश आई है। तो लेकिन लगभग बाकी जगह पे इतनी बारिश नहीं है, तो वहां पे एक सूखा भी पड़ा हुआ है। तो इसके भी एक कुछ कुछ रीजन से कि वहां पे सूखा है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे एक एबनॉर्मल यहाँ पे बारिश भी दिखी जा सकती है। हम लोग बहुत बार सुन चुके, मुंबई में बाढ़ आ गई, न्यूज में हम लोग पढ़ते रहते, तो उसका भी कारण यहाँ पे मेंशन किया गया है, मानसून की वजह से, जो साउथ वेस्टर्न मानसून आती है जो जून के पहले, सॉरी जुलाई के पहले वीक में, लगभग एक से लेकर पांच पहले वीक में केरला में हिट करती है, उसके बाद लगभग 10 दिन में ये मुंबई और वेस्टर्न घाट में हिट करके वहां पे बारिश आ जाती है। उससे पहले वहां पे काफी ज्यादा गर्मी होती है, बहुत ज्यादा धूप होती है, तो उससे काफी रिलैक्सेशन मिल तो जाती है, लेकिन उसका इफेक्ट भी काफी पड़ती है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 14 आउट ऑफ 37 डिस्ट्रिक्ट, जहां यहाँ पे दो स्टेट्स में यहाँ पे बोला गया है कि लास्ट जो 6 मानसून में सबसे ज्यादा यहाँ पे बारिश हुई है, और अभी भी जो 20 दिन यहाँ पे जाना बाकी है, तो ये काफी जो है वेस्ट कोस्ट को वेट करेगी। इसमें अच्छी बात भी है लेकिन गलत बात भी है। अच्छी बात यह है कि इसका जो पानी है, इसके पानी की वजह से यहाँ पे सूखा कम हो गया है। गलत बात यह है कि वहां से जो ट्रांसपोर्टेशन या बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, तो इसके वजह से जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से सरकार को अगर ऐसे इंप्लीमेंटेशन किया गया कि जो वाटर यहाँ पे जमा होती है उसको ट्रांसपोर्ट करके जो सूखे एरिया पे यहाँ पे अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये बेनिफिशियल सभी के लिए रहेगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे बेसिकली जो 2019 का जो यहाँ पे हाईएस्ट जो रेनफॉल है उसको यहाँ पे माइनस किया गया है कि 2014, 15, 16, 17, 18 वहां के उस टाइम के जो हाईएस्ट जो रेनफॉल है उसको, मान लीजिए कि 2019 में अगर 100 मिलीमीटर की बारिश हुई और किसी भी जगह में अगर 2014, 15, 16, 17, 18 उनमें से जो हाईएस्ट बारिश है वो अगर मान लीजिए कि 70, तो 100 माइनस 70 जो 30 हुआ, तो 30 को इस ग्राफ में यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो इसके हिसाब से देखेंगे कोल्हापुर जो इसका माइनस करने के बाद भी कितनी ज्यादा कोल्हापुर में बारिश हुई है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। देन मतलब पहले कोल्हापुर में इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती थी। देन जो नॉर्थ गोवा में यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हुई है। देन जो साउथ गोवा में भी काफी ज्यादा बारिश हुई है। देन नंदरबार में काफी ज्यादा बारिश हुई है, धुले में बारिश हुई है, सतारा में जो पुणे से थोड़ा दूर में है पुणे में काफी बारिश हुई है। देन जो नासिक में काफी बारिश हुई है, जलगांव नासिक में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है, रायगढ़ में गर्मी पड़ती है, थाने में जो महाराष्ट्र की जो राजधानी है काफी ज्यादा बारिश होती है वहां पे। तो यहाँ पे ये सब बोला गया है यहाँ पे। तो उसके हिसाब से जो ये जो सिस्टम है ये काफी ज्यादा यहाँ पे होती जा रही है। तो एक अंदाजा लगा सकते हैं कि जो इंडिया के मैप के हिसाब से ये अगर हम लोग बात करेंगे कि जो सिस्टम है कि साउथ वेस्ट मॉनसून जो आती है ये हिट करती है, तो इसका काफी इम्पैक्ट जो वेस्टर्न घाट पे पड़ती है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो। ये जो आर्टिकल है, ये जो डेटा है, एनालिसिस रिपोर्ट है, इसको आप जब पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी जो वेस्टर्न घाट से रिलेटेड रेन रिलेटेड इशू, तो ऐसे जो आंकड़े को आप याद करके उससे रिलेट कर सकते हैं, तब आपके जो रियल वेस्ट आंकड़े देंगे तो आपके आंसर्स और भी एनरिच्ड होंगे। और आप जब भी ऐसे कोई आंकड़े यहाँ पे इंक्लूड करेंगे तो आपको जो टॉपिक है टॉपिक समझ में भी आएगी, क्वेश्चंस में काफी ऐसे पूछ भी सकते हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन के हिसाब से आपको क्रिटिकली एनालिसिस करने को बोले, आपको एक्सप्लेन करने को बोले, आपको वहां पे इवैल्यूएट करने को बोले, तो आपको उस टाइम में डेटास की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये जो डेटास है आप लोग अगर एक नोटबुक में इसको अगर नोट करके भी रखें और टाइम टू टाइम रिवाइज भी करते रहेंगे तो आपके ये जो आंकड़े हैं हमेशा साफ रहेंगे, और कभी भी किसी भी एग्जाम्स में, नॉट ओनली मैं सिविल सर्विस के बाद में बन रहा हूं, आप रिलेट
करने में भी आपको आसानी होगी कोई भी अगर सिचुएशन आ जाए। हम लोग हमेशा भी ऐसे जो भी डेटा पॉइंट है उसको बहुत ध्यान पूर्वक हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, ताकि अगर सपोज कोई इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल हो उसमें कोई भी जो डेटा एनालिसिस में हमेशा कभी भी इकोनॉमी रिलेटेड डेटा पॉइंट या कोई भी जो डेटा पॉइंट इंपोर्टेंट हो उसको कभी भी छोड़ता ही नहीं हो। इकोनॉमी रिलेटेड आर्टिकल हो, जो सोशल इफेक्ट्स रिलेटेड आर्टिकल हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड आर्टिकल हो, ज्योग्राफी रिलेटेड आर्टिकल काफी दिनों के बाद आई है, तो ये जो आर्टिकल्स है सोशल इश्यूज से रिलेटेड आर्टिकल्स है, जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड आर्टिकल्स है, उसको याद रखनी चाहिए ताकि वो जो डेटाज है आप खुद से इंटरप्रिट करके आप उसको रिलेट कर सके और कुछ पॉइंट्स में उसके समरी आप बना सकते हैं। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि 15 डिस्ट्रिक्ट में पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, लगभग 3000 मिलीमीटर से ज्यादा की यहाँ पे बारिश हुई है, यहाँ पे 6 साल की ये सबसे ज्यादा बारिश हुई है। महाराष्ट्र के लगभग काफी सारे जो जिलों में काफी ज्यादा बारिश हुई है, ये एवरेज जो है एवरेज बहुत जगहों पर, जो रायगढ़ हो, रत्नागिरी हो, काफी 4000 मिलीमीटर के आसपास से बारिश हुई है, बहुत जगह पे यहाँ पे सूखा भी पड़ा है। और 37 डिस्ट्रिक्ट में जो है ये पिछले 6 मॉनसून में सबसे ज्यादा बारिश है, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे। देन जो अलग अलग अगर माइनस भी कर दिया गया पिछले अलग अलग 6 मॉनसून के रिलेटेड, तो कोल्हापुर, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, जो नंदरबार, पुणे, धुले, सतारा, काफी ज्यादा यहाँ पे बारिश हुई है, लेकिन बहुत सारे जगहों पे यह भी दिखाया गया है कि वहां पे पिछले सालों के मुकाबले कम बारिश हुई है। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए विद द एनालिसिस, आशा करते हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज के द हिंदू एडिटोरियल में बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कर दीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स या जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। हम एक बिल्कुल ही नए यूट्यूब चैनल है, तो आप लोगों का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा हार्ड वर्क करने के लिए। एंड आज शाम को देखना मत भूलिएगा स्टडी राइज के जो करंट अफेयर्स है, और आशा करते हैं आप लोग उसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आप द हिंदू एडिटोरियल को देते आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।